Welcome students, this is Veeam Kudas Vyasa, your course instructor. I hope so all of you fine in the critical situation. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to object-oriented programming class. In the last class, we have been studied what is constructor and destructor. In this lecture, we will cover what is object as a function parameter. 13.8 टॉपिक नेम है और आज हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन पैरामीटर क्या करते हैं, क्या होता है ये और इसको इसका प्रोग्राम हम कोड करेंगे. सो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी पास्ड एज अ पैरामीटर टू मेंबर फंक्शन. ऑब्जेक्ट एज फंक्शन पैरामीटर हमारा है टॉपिक कि हमने ऑब्जेक्ट्स पास करने हैं फंक्शन पैरामीटर के तौर पर यूज करने हैं. ऑब्जेक्ट हम पास कर सकते हैं पैरामीटर मेंबर फंक्शन के दौरान. ये मेथड जो होता है पासिंग ऑब्जेक्ट टू फंक्शन एज पैरामीटर, ये सेम होता है जिस तरह आप सिंपल वेरिएबल को पास कर रहे होते हैं. अब इसके लिए फंक्शन प्रोग्राम है राइट अ क्लास ट्रेवल दैट हैज एट्रीब्यूट ऑफ किलोमीटर. ठीक है, एट्रीब्यूट है किलोमीटर एंड आवर्स. डेव ओपन कर लेती हूँ. जी स्टूडेंट्स, हमने क्लास किस नाम से बनानी है? हमने क्लास बनाई ट्रैवल के नाम से, जिसमें हमने क्या करना है, एट्रीब्यूट हमारे पास वो किलोमीटर और आवर्स. तो किलोमीटर और आवर्स इंटीजर में ही लेंगे km, और आवर्स के लिए hr ले लिया मैंने. और ये सॉरी दोनों किस में हमने लिखने हैं, प्राइवेट में. तो ये हमारे पास प्राइवेट में आ गए. नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमने क्या करना है, अ कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर इनिशियलाइज बोथ डाटा मेंबर टू जीरो. एक कंस्ट्रक्टर जिसमें दोनों हो और दोनों वैल्यूज किससे इनिशियलाइज हो, जीरो से. तो हमने लिखा पब्लिक, पब्लिक में हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया. कंस्ट्रक्टर हमारा क्लास के नाम होगा, क्लास हमारे ट्रेवल के नाम से है और इसमें दोनों को यानी किलोमीटर को भी इक्वल किया जीरो के. तो एक ही दफा किलोमीटर और आवर को हमने इक्वल कर दिया, आवर्स को भी और किलोमीटर्स को भी हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया. अब मेंबर फंक्शन गेट इनपुट दिस वैल्यू एंड शो डिस्प्ले द वैल्यू. तो इसका मतलब है वाइड, एक हमने वाइड बनाना है गेट के नाम से. मैं इधर सिर्फ डिक्लेयर ही करवा रही हूँ. एक वाइड बनाना है शो के नाम से. जी करवा लिया हमने. उसके बाद इट हैज मेंबर फंक्शन टू एड, मेंबर फंक्शन एक और वाइड ऐड जिसमें हो वैल्यूज ऐड बना लिया. एंड टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ टाइप ट्रेवल टू ऐड द किलोमीटर एंड आवर्स ऑफ कॉलिंग ऑब्जेक्ट. हाँ, इसमें अब मेन काम हमने परफॉर्म करना है कि हमने क्या करना है. वो क्या कह रहे हैं कि आप इसमें ऐड में क्या करें, ऑब्जेक्ट लें टाइप ऑफ ट्रेवल टू ऐड द किलोमीटर एंड आवर्स कॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ पैरामीटर. यानी आप क्या कह रहे हैं वो, ट्रेवल का ऑब्जेक्ट लें एज अ पैरामीटर. तो हम क्या करते हैं, पैरामीटर किधर लिखते हैं, ऐड के अंदर. तो हमने लिखना क्या होगा, कैसे होगा, ट्रेवल का ऑब्जेक्ट लेना. तो पहले क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करेंगे, पी. ये हमने कर दिया. यहाँ पर हमारी क्लास जो है वो एंड हो गई. क्या किया हमने, क्या करना होता है, किस तरीके का कॉन्सेप्ट है, किस तरह पास करते हैं. आप लिखते हैं क्लास का नेम और आगे ऑब्जेक्ट का नेम. आगे जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी. अच्छा, अब इधर आ जाएं डेफिनेशंस में. पहले हमने लिखना है, क्या लिखना होता है, हमने रिटर्न टाइप वॉइड है, उसके बाद ट्रेवल, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद फंक्शन कौन सा हमारा, गेट का. और गेट के फंक्शन में हमारे पास क्या करनी है, हमने वैल्यूज को गेट करनी है. तो हम लिख रहे हैं सी आउट, सी आउट, सी आउट में एंटर, किलोमीटर ट्रेवल, किलोमीटर ट्रेवल डिस्टेंस एंटर करें और फिर ये आ जाएगा सी इन के एम में. इसी तरह सी आउट एंटर आवर्स ट्रेवल्ड इक्वल
और सी इन में हमारे पास आ जाए ऑवर्स, ये हमारे पास हो गया जिसमें हमने इसको क्या हो गया सेमी कॉलन लगाना है शिफ्ट की जी। उसके बाद हमने फिर लिखना है void return type लिखी, क्लास का नेम लिखा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन हमारे पास अब होगा शो का। फंक्शन शो में हमने क्या करना है वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है, तो सी आउट यू ट्रेवल्ड किलोमीटर इन आवर्स, आवर्स इतने किलोमीटर में डिस्टेंस उसने तय किया है और यहाँ से हैंडल कर दिया। ये हमारे पास शो का फंक्शन हो गया। अब हमने करना है एड का, तो void एड हमारे पास आ गया। अब इस एड में हमने क्या करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने यूज किया हुआ है ना, तो सबसे पहले तो हम एक और ट्रेवल का हमने ऑब्जेक्ट बनाया जो मैं लिख रही हूँ टी के नाम से। टी के नाम से बनाया मैंने ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट में क्या कर रही हूँ मैं, टी डॉट किलोमीटर, ठीक है, और इसको इक्वल असाइन किसके साथ करना है, किलोमीटर किस तरीके से होता है, किलोमीटर की वैल्यू प्लस हो किसके साथ, जो इस पी वाले, जो क्योंकि हमने जो पी लिखा हुआ है इधर इधर लिखना था पी, जी, तो किलोमीटर की वैल्यू किसके साथ हो, जो पी डॉट हमारे पास हो किलोमीटर वाली वैल्यू, उसी तरह टी डॉट आवर्स जो हमारे पास हो वो किसके इक्वल हो, आवर्स प्लस हो जाए टी डॉट आवर्स के। तो सी आउट में मैसेज टोटल ट्रैवलिंग इज, टोटल ट्रैवलिंग किस में आ जाएगी हमारे पास, टी वाली यानी टी डॉट के एम किलोमीटर इन टी डॉट आवर्स, आवर्स में आ जाएगी, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा एंड एल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हो गई। फंक्शन की डेफिनेशन भी हम लिख चुके हुए हैं। अब हम आ गए मेन में, इंटीजर मेन लिखा। अब ये टी और पी जो हमने बनाए थे इसकी वैल्यूज भी तो असाइन करनी है ना क्लास, तो सबसे पहले ट्रेवल, अब इधर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे क्योंकि वो टी और उसको तो नहीं लेगा ना, एक मैं लिख देती हूँ माई, जैसे बुक में है आपके पास माई और योर लिखा हुआ है तो वही यूज करती हूँ, एक माई और एक योर। सबसे पहले क्या लिख रही हूँ, माई डॉट गेट और फिर my dot show, फिर उसके बाद your dot get, दोबारा से फिर your dot show लिखा, और फिर end पर हमने क्या करना है add करना है, तो add करने के लिए my वाला total my, my dot add, और इसमें क्या चीज अंदर पास कर रही हूँ, जो योर वाली सारी चीजें हैं योर वाले ऑब्जेक्ट की वही कॉपी हो जाएंगी। गेट सी एच और फिर रिटर्न जीरो, समझ लें इस प्रोग्राम को, उसके बाद फिर हम मूव करते हैं। सबसे पहला आपके पास है
आपने क्या किया, ये जो माई आपने लिखा हुआ है ना, जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपने लिखा हुआ है, ये आपने लिखा ये लिखा है माई डॉट, ये वाला कोड माई डॉट एड योर, तो ये योर बेसिकली क्या होगा, ये जो आपके ऊपर एक फंक्शन बना हुआ है एड का, जिसमें आपके पास फंक्शन बना हुआ है वायर्ड एड, जिसमें आपने लिखा है ट्रेवल पी, तो ये जो पी वाला ऑब्जेक्ट है ये इसके इसके साथ लिंक है योर वाले के साथ, यानी पी वाला ऑब्जेक्ट ये है बेसिकली, ठीक हो गया, यानी फंक्शन कॉल हो रहा है इधर से, फंक्शन पी वाला ऑब्जेक्ट जो है, क्योंकि आपने क्या किया है आप इसके अंदर पैरामीटर को कॉल करें, फंक्शन कॉल करें ऐड वाला, और जिसके अंदर पैरामीटर कौन सा है पी वाला, तो देखें ऐड वाला, और जिसके अंदर योर है यानी पी वाली चीजें हैं। उसके बाद आपने फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है टी डॉट के एम इक्वल, बल्कि हम इस फंक्शन में चले जाते हैं तो ज्यादा क्लियर होंगी हमें चीजें, रुक जाए, ये फंक्शन है हमारे पास जी, हमने इधर लिखा हुआ है टी डॉट के एम, तो ये जो टी डॉट के एम है हमारे पास, ये वाली चीज जो है ये डाटा मेंबर है जो हमने टेम्पररी तौर पे लिया हुआ है, ये हमने टेम्पररी तौर पे लिया हुआ है, ये वही टेम्पररी तौर पे जो एग्जिस्ट कर रहा है, और ये वाला जो पी है ये हमारा क्या है, डाटा मेंबर है जो पैरामीटर ऑब्जेक्ट पी है, ठीक है, कि टेम्पररी ऑब्जेक्ट टी है और ये पैरामीटर है किसका, ऑब्जेक्ट पी का। अब क्या होता है, और फिर जो हमने यहाँ पर ये जो ऑवर्स और ये चीजें लिखी हुई हैं ये वाले, अच्छा अब ये जो पी, ये दोनों पी की बात कर रहे हैं, वो पी डॉट ये, और जो ये वाले हैं दो, ये वाले दो बेसिकली ये कौन से हैं, ये वो डाटा मेंबर हैं जो माई वाले कॉल हो रहे हैं, वहां पे कॉल हो रहा है ना माई डॉट, तो ये के एम और एच आर माई वाले हैं, और बाकी ये जो दूसरे वाले हैं जिसमें ये है, तो ये हमारे पास क्या है, ये योर वाले होंगे, ठीक हो गया, ये इस तरीके से हमारे पास वर्क कर रहे होते हैं, चला के देख लेते हैं, ये हमारे पास प्रोग्राम नंबर है 13.13।